नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 अगस्त को देश दो त्योहार एक साथ मना रहा है। सबसे पहला है 15 अगस्त, यानी कि 1947 को आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। और दूसरा है रिश्ते का त्योहार, यानी कि रक्षाबंधन। आज के दिन हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को रक्षा का वचन देता है। और आज पूरे देश भर में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया गया। भारत में रक्षाबंधन का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। राखी से जुड़ी एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं और ये सभी अपने आप में काफी विविध हैं। रक्षाबंधन मुख्य तौर पर हिंदुओं का त्योहार माना जाता है, जो श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पर आपको ये जानकर खुशी होगी कि रक्षाबंधन के इतिहास में मुस्लिम से लेकर वो लोग भी शामिल हैं जो सगे भाई बहन नहीं थे। रक्षाबंधन का इतिहास, राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएं उनको माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथ में रेशमी धागा भी बांधती थी। इस विश्वास के साथ ये धागा उन्हें विजयश्री के साथ वापस ले आएगा। राखी के साथ एक और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली। रानी लड़ने से असमर्थ थी, अतः उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती व उसके राज की रक्षा की। और तब से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो सुना आपने रक्षाबंधन का इतिहास कि आखिर किस दिन से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और ये भाई बहन के रिश्ते का मुख्य त्योहार माना जाता है। आज पूरे देश ने 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ रक्षाबंधन का त्योहार भी धूमधाम से मनाया। ज्यादा जानकारी के लिए और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।